बच्चों आज तुहानू मैं दंदां दीआं किस्मां अते अपनी जीभ दे उत्ते जिहड़े टेस्ट वर्ड्स हुंदे ने उहनां नूं याद करन दा सौखा तरीका दसण लगी हां। देखो जे आपां तुहानू कहीए वी इक बालग मनुख दे विच किन्ने दंद हुंदे आ तां तुसीं झट कहोगे वी 32 हुंदे आ। तां हुण ओह 32 दंद च किहड़ियां किहड़ियां किस्मां ने ते याद किवें करना है ते उहदा देखो फार्मूला ध्यान नाल देखो। आपां 42-46/42-46 जिवें मैथ दा फार्मूला हुंदा 42-46/42-46 याद करना है। ठीक है, हुण इहदे विच जिहड़ा पहला चार है इह की है इनसीजर्स। ठीक है, कट्टण वाले अगले दंद। अगला दो है कैनाइंस सूए, अगला चार प्रीमोलर्स अगलियां जाड़ां, ते उस तो बाद जिहड़ा 6 आ रहा है वह है मोलर्स चिथन दंद जाड़ां। तो जे बेटे आपां इन्हां नूं जोड़िए 4+2+4+6 तो यह बनणगे 16, यानी कि उपरले जवाड़े च 16 दंद है। इसी तरह ही बिल्कुल हेठले जवाड़े च भी 16 दंद है, तो 16 ते 16 नूं जोड़िए तो की बन जाता है 32। तो यह है अपने परमानेंट टीथ यानी कि स्थाई दंद, तो इन्हां नूं याद करन दा फार्मूला। हुण जे आपां छोटे बच्चों गल करिए उन्हां च मिल्क टीथ हुंदे ने जिहड़े 8 साल की उम्र के निकल जाते हैं, इन्हां नूं दुध दे दंद कहिंदे आ। उन्हां दे विच इन्हां दंदां दी गिनती हुंदी है 20, ते इहनूं याद करन दा तरीका हैगा आपां करांगे 42-04/42-04। तां इहदे विच बेटे जिहड़ा पहला चार है वह है इनसीजर्स, नैक्सट तो जिहड़ा है वह है कैनाइंस, इहदे विच प्रीमोलर्स नहीं हुंदे छोटे बच्चों के, ते नैक्सट चार है अपना मोलर्स। तो इन्हां दंदां नूं जे आपां जोड़िए इन्हां गिनती नूं आपां जे जोड़िए 4+2+4 तो बन गए 10, इवें जिकर निचले जवाड़े दे विच भी 10, 10+10=20, तो दुध दे दंदां दी गिनती हो गई अपनी 20। तो ये 8 साल की उम्र के बच्चे ये निकल जाते हैं। हुण कुछ बच्चों का यही कहना हैगा भी मैडम असी अपने दंद गिने, तो जदों असी अपने दंद गिने तो साढ़े 32 दंद नहीं निकले, साढ़े 28 दंद होए, घरद्या के भी कई गिने। वह कारण बेटे यह है कि अपना एक विजडम टीथ हुंदा हैगा, तां अकल जाड़ जिहड़ी हुंदी हैगी है वह नहीं निकलते हैगे, कई बार कई 21 साल की उम्र च आ जाते हैं, वह रीज़न यह है। तो अज मैं तुहानूं इह दंदां दा मॉडल दिखाउण लगी हाँ। आ देखो ये उपरला जवाड़ा बच्चे, ठीक है, तो ये जिहड़े पहले चार दंद है आ देखो वड्डे वड्डे 1, 2, 3, 4 आ चार दंद, ये इनसीजर्स है, इन्हां दी शेप ब्लेड वर्गी हुंदी है, इन्हां नूं आपां कटिंग टीथ भी कहिंदे आ। इन्हां इनसीजर्स दे दोनों पासे देखो ये है अपने, आ देखो दोनों ये है अपने कैनाइंस, ये जिहड़े मांसाहारी जानवर हुंदे ने ना उन्हां दे विच बहुत तिखे हुंदे आ, चीर फाड़ दा काम करदे आ। उस तो बाद आ गए अपने प्रीमोलर्स, इन्हां नूं ग्राइंडिंग टीथ कहिंदे आ। आ देखो दो इधर है ते दो इधर हैगी हैं, ठीक है, ते प्रीमोलर्स तो बाद आ गए अपने मोलर्स दे, ठीक है, ये भी ग्राइंडिंग टीथ है। इहदे विच भी देखो 28 दंद हैगे आ, स्पेस छड्डी हुई है स्पेस, ठीक है, इत्थे विजडम जिहड़ा हैगा टीथ अकल जाड़ जिहड़ी हैगी है ये नहीं आई हैगी, इस करके 28 दंद शो कर रहा, इस करके अपने मुँह दे विच भी कई बार 28 दंद शो हुंदे हैं, पर तुसी पेपर दे विच 42-46/42-46 दा फार्मूला ही लिखना है। ये बेटे अपना निचला जवाड़ा है, इहदे विच भी सेम उस तरह के दंद, इनसीजर इस दे विच थोड़े छोटे हुंदे आ, तो बचाले की पई है यह अपनी जीभ, ये जिहड़ी जीभ हैगी है अपनी बकल कैपटी के निचले तल नाल जुड़ी हुंदी है। हुण आपां तुहानूं इहदे टेस्ट वर्ड याद कराने आ। आपां नूं पता है कि जीभ दा जिहड़ा टिप हैगा इहदे उत्ते टेस्ट वर्ड होणगे स्वीट, तो सब तो उत्ते कौड़ा मीठा, ठीक है, साइड ते सॉल्टी ते सोअर। हुण तुहानूं इह तिन्नां दे विच कन्फ्यूजन हो जाती है, स्वीट तां तुसीं याद रख लोगे, साल्टी ते सोअर दे विच आपां कन्फ्यूज़ नहीं होना, तुसीं याद रखना है कि एस ए है तो दोनों एसा, एस दे नाल इत्थे पहला ए आ रही है अल्फाबैट, पहला अल्फाबैट तो फस्ट अल्फाबैट है तो उन्हें पहला ही आना है, इस करके पहला सॉल्टी फिर इधर सुअर सेम इधर, ठीक है। तो बेटे मैं आस करती हाँ भी तुहानू ये दंदां दे बारे चंगी तरह समझ आ गया होएगा, तो हुण तुसीं दंदां दी गिनती दे बारे उन्हां दी टाइप्स दे बारे लिखण दे लगे कोई गलती नहीं करोंगे, तो इवें जिकरी जीभ दे उत्ते जिहड़े टेस्ट बर्ड्स है उन्हां नूं दसण लगे भी कोई गलती नहीं करोंगे।